दोस्तों वैसे तो हमारे भारत में मंदिरों की कोई कमी नहीं है, हर व्यक्ति मंदिर में पूजा करने ही जाता है, परंतु क्या उनके रहस्यों को जान पाता है? नहीं ना दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र के गांव एलोरा में कैलाश मंदिर के रहस्यों के बारे में। अगर वीडियो पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों कैलाश मंदिर देखने में बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी लगता है। दोस्तों इसमें अद्भुत शक्तियाँ भी मौजूद हैं। दोस्तों यह मंदिर का नाम कैलाश पर्वत तो है, परंतु यहाँ पर भगवान शिव की पूजा नहीं होती। इस मंदिर को किसने बनाया यह अभी तक नहीं क्लियर हो पाया। दोस्तों यह विशालकाय मंदिर पत्थरों को काटकर बनाया गया है। अब यह मंदिर इतना विशाल कैसे बना और आज से कब बना? दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर किसी अलौकिक शक्ति ने मंदिर का निर्माण किया हो, परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार इस पहाड़ी को काटकर करीब 4 लाख टन पत्थरों को काटकर बनाया गया है। इस मंदिर में करीब 7000 मजदूर लगे होंगे। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर करीब 150 सालों में बनकर तैयार हुआ होगा, परंतु यह बात सत्य नहीं है। दोस्तों यह मंदिर बताया जाता है कि करीब 15 से 17 सालों के बीच में बनकर तैयार हो गया था। यह मंदिर देखने में एक वास्तुकला को दर्शाता है। यह मंदिर छोटे छोटे नक्काशियों में बना हुआ है। यह मंदिर दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर बना हुआ है। पत्थर काटने का एक अलग ही तरीका होता होगा उस टाइम। इस मंदिर में छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए हैं और मंदिर की करीब ऊंचाई 90 फीट बताई जाती है। दोस्तों यह मंदिर 2 मंजिला का बना हुआ है। यहाँ पर ऊपर मंजिल जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। दोस्तों कहा जाता है कि भारत में बाहरी आक्रमणों ने इस मंदिर को चोट पहुँचाने की पूरी कोशिश की, मगर इस मंदिर को मिटा नहीं पाए। दोस्तों इस मंदिर में महाभारत से जुड़े हुए कई नक्काशी भी हैं और यहाँ रामायण से भी जुड़ी हुई दीवालों पर कई तस्वीरें मौजूद हैं। जबी तो दोस्तों पूरी दुनिया में प्रख्यात है यह मंदिर। एलोरा की गुफाएं आम जनता के लिए खोली गई थीं, परंतु सरकार के आदेश अनुसार यह गुफाओं को बंद फिर से कर दिया। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन में इसके ऊपर रिसर्च भी की गई थी और कहा जाता है कि इस मंदिर में रेडिएशन होता है दोस्तों, और यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं उन पर फिसलन है, इसलिए ब्रिटिश शासन ने इस मंदिर की जो भी रिसर्च थी उसको भी नष्ट कर दिया था और इन गुफाओं को बंद किया था दोस्तों, क्योंकि रेडिएशन जहां होता है वहां पर जाना यानी मौत को दावत देना होता है। इसलिए यहां पर सरकार ने गुफाओं को बंद करा दिया है क्योंकि किसी की जन हानि ना हो। परंतु कैलाश मंदिर का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। यहाँ पर वैज्ञानिक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाए। इस मंदिर पर रेडिएशन कहां से आता है? दोस्तों क्या आप गए हुए हो कैलाश मंदिर? तो कमेंट कर जरूर बताएं।